हेलो माय वंडरफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ, ऐसी प्रॉब्लम की रेमेडी जो हम में से 10 में से शायद एक या दो लोगों को होती है। और होती किस लिए है कि जब हम अपनी रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते, अपना हेड मसाज नहीं करते, या अपने स्कैल्प को बहुत ही विगरसली हम उसको कहते हैं ना कि हम उसको इचिंग के लिए हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, तब ये प्रॉब्लम हमारी कॉज होती है। इनिशियली हमें इसका अंदाज़ नहीं होता, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती है। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक पे स्कैल्प बम्प्स। स्कैल्प बम्प्स होते क्या हैं? आपके स्कैल्प पे छोटी छोटी फुंसियाँ, छोटे छोटे दाने होते हैं। आप अगर हेयर कॉम्बिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत इरिटेट होता है, वो आपको करने से मना करते हैं। अगर आप ज़रा सा भी अपना इचिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है। ये होते किस वजह से है? क्योंकि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, आप प्रॉपर हेड मसाज नहीं करते, अच्छा हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करते, और दूसरी बात कि जब हम कंडीशनर अपनी जड़ों तक में लगाते हैं तब ये हमारे स्कैल्प बम्प्स होते हैं। अब इसके DIY रेमेडीज़ क्या हैं? क्योंकि अब जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी थी वो आपने कर ली, लेकिन इसके DIY रेमेडी क्या होगी? आपको लेना है करेले का जूस। यस, करेले को आपको ग्राइंड कर लेना है, उसको कद्दूकस कर लीजिए या आप उसको मिक्सी में कर लीजिए, और उसको उसके बाद उसको छान लीजिए, और वो जो रस निकलेगा वो लेना है। आपको लेना है नीम पाउडर। नीम का पाउडर बाज़ार में मिल जाता है, अगर आपको बाज़ार से लेना, नीम की पत्तियाँ तोड़ के उसको छाँव में सुखा के आप उसका पाउडर बना सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको मिक्स करना है और अपनी हेड की मसाज करनी है। आपको हेड मसाज कब करनी है? अपने हेड वॉश से कम 1 आवर पहले। ऐसा नहीं है 20 मिनट्स पहले करेंगे तो असर हो जाएगा, असर होगा लेकिन कम होगा, इसलिए आप 1 आवर पहले इससे मसाज करिए। आप जब इसकी मसाज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मोशन में करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप बस ऐसे ऐसे लगाया और छोड़ दिया, मसाज करेंगे अच्छे से 5 मिनट्स और अपना बन बना के छोड़ देंगे। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जब आप इसको हफ्ते में अगर आपने एक बार भी यूज़ कर लिया, दो बार की तो मैं बात ही नहीं करती, अगर हफ्ते में आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आपकी जितनी भी इन्फेक्टेड आपका स्कैल्प है वो सारा क्लीन हो जाएगा। और यकीनन मानिए मेरा कि आपको महीने में आपको 4 बार करने से आपको 80% फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि करेले में और नीम में बहुत सारे ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्कैल्प को, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश रखते हैं। कहते हैं ना, जिनको एक्ने होता है उनको करेले का जूस पीना चाहिए। तो क्यों पीना चाहिए? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन में हमारा हेल्प करता है। और अगर जो आपका जूस बचेगा, जो पेस्ट आप बनाएंगे वो बचेगा, पेस्ट फॉर्म नहीं बनाना, कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि मतलब लिक्विडिटी रहनी चाहिए। लाइक एज अगर आपने 100 ml आपने अपना करेले का जूस लिया है तो 2 टेबल स्पून आपको उसमें अपना नीम पाउडर मिलाना है, उसके बाद आपको उसको मसाज करनी है। अगर थोड़ा कंसिस्टेंसी ठीक रखती है तो आप उसमें पानी मिला सकते हैं, लेकिन मसाज आपकी अच्छे से हो जाए। इस वाले पेस्ट को लगा के देखिए, अगर आपका बच जाता है थोड़ा सा तो आप उसको वेस्ट मत करिएगा, आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। आपकी स्किन ग्लो होगी और उसमें रेडिश लुक आएगा, और जितने भी एक्ने प्रोन स्किन है उसके लिए रामबाण का काम करता है। तो मेरी DIY इसको प्लीज़ आप यूज़ करिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मुझे भी बताइए कि आपको उन सब चीज़ों से कितना बेनिफिट मिल रहा है। स्टे ट्यून्ड विद मी हेयर ऑन टॉकेश ऑन YouTube। सब्सक्राइब इट एट द बेल आइकन।